Hello everyone, my name is Nikhil Setia and I welcome you all to my channel Stockers Learn and Earn. तो आज हम देखते हैं कि मंडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ सुपर सेटअप्स कैसे वर्क कर सकते हैं, कहाँ हम ट्रेड लग सकते हैं विद सम ग्रेट लॉजिक्स. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. तो अगर हम देखें तो लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो हम बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं. अगर हम देखें बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा टाइम 1 नवंबर से लेके लोअर लोज, लोअर हाई, लोअर लोज, लोअर हाई बनाता जा रहा था और 22 नवंबर को इसने एक ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से ऊपर आया, फिर से इसी जोन में होल्ड किया. 25 नवंबर तक ये इसी जोन में होल्ड करता रहा है, बट 26 नवंबर को हम सबको पता है क्या हुआ था. मार्केट बिकॉज ऑफ ग्लोबल सेंटीमेंट्स बहुत बुरी तरह गिरी और मार्केट गैप डाउन खुली और उसके बाद गिरती ही चलेगी. बिल्कुल एक सिंपल सी ग्रीन कलर की डोजी बनी है और कुछ भी नहीं. मार्केट में कंप्लीट फॉल आया था. और अगर हम प्रीवियसली देखें तो ये अगर आप रेक्टेंगल कलर का ये बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहले ये स्टॉक इसमें से रेजिस्टेंस ले रहा था, ये देखिए ब्रेक दिया, सपोर्ट बन गया. सपोर्ट जोन बनने के बाद छब्बीस नवंबर को अगर हम देखें 15 मिनट चार्ट्स में अगर मैं आऊं तो ये 26 नवंबर को भी ये अप्रोक्सीमेटली 4 hours इट वॉज इन टू दैट सेम जोन. सो फॉर बैंक निफ्टी दिस जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बट अब हम इसको यूज कैसे करेंगे. अगर हम देखें 35,900 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है. क्यों क्रूशियल है, अगर हम पिछला डाटा देखेंगे तो बैंक निफ्टी एग्जैक्टली एक हॉल्ट कर रहा था और इसी मार्किंग के नीचे एक ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ एक नया ट्रेंड शुरू किया था और अब ये सेम उसी लेवल पे आ चुका है. तो अब हम इस पे वर्क कैसे कर सकते हैं कि अगर 15 मिनट की एक भी इनगल्फिंग कैंडल इसके नीचे बनती है तो हम पीई बाय करेंगे फॉर श्योर. अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा 35,340 और उसके नीचे अपना टारगेट रहेगा 34,822. प्लेन एंड सिंपल सेटअप, नो यूज ऑफ इंडिकेटर्स, नथिंग एल्स, प्योर प्राइस एक्शन. और अगर हम निफ्टी 50 को देखेंगे, एक्चुअली मैं निफ्टी में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं बैंक निफ्टी से. निफ्टी 50 के लिए 1 और टाइम फ्रेम का ये चार्ट है. अगर इसको 1 और टाइम फ्रेम में लेके जाएं तो ये जोन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है. और ये जोन अगर देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर अच्छा एनालाइज होता है तो हम उस पर अगर देखेंगे, इफ यू कैन सी दिस जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर निफ्टी 50 ऑल्सो. इट वॉज टेकिंग अ रेजिस्टेंस फ्रॉम हियर, तो यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, बिकॉज ऑफ गैप अप ओपनिंग ये ऊपर चला गया. और अब फिर से वही सिनेरियो है, अगर निफ्टी 12 बजे के पहले इसी जोन में फ्लैट ओपन होके इसी जोन में रहता है और 12 बजे के बाद कहीं ये इंगल्फिंग कैंडल बना के नीचे आ जाता है तो वी कैन श्योरली मेक अ टारगेट ऑफ दिस. पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, ये जोन. इस जोन पे थोड़ा सा बच के इस पे देखना रहेगा ये कैसे बिहेव करता है. माइट बी इट केम्स डाउन एंड देन अप, सो इट इज वेरी क्रूशियल. सो इस जोन को हमें देखना पड़ेगा. एंड देन अगर ये जोन खत्म होते ही हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 16,380 रुपीज, बिकॉज यहाँ पे भी ये पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था,
ब्रेकआउट सपोर्ट की तरह काम किया और फिर ऊपर चला गया, तो बहुत ही अच्छे लेवल पे दिख रहा है। और मैं अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं निफ्टी 50 में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ रेदर देन बैंक निफ्टी बिकॉज ऑफ सेल ऑफ। अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो ये देखिए 17,500 का सी बहुत ही बार राइट हो चुका है। ऑप्शन चेंज देखेंगे तो क्लियरली दिख रहा है हमें चेंज इन ओआई कॉल्स के साइड बहुत ज्यादा है। लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस अपनी वाइंड अप करी हैं तो इट क्लियरली इंडिकेट्स बेरिश सेंटीमेंट्स। तो हम न्यूज की तरफ नहीं जाएंगे बट अगर हम बाकी की मार्केट्स भी देखेंगे, यूएस मार्केट 2.23% डाउन, यूरोपियन मार्केट्स 3% 4% डाउन, एशियन मार्केट्स देखेंगे 2% 1% 2% डाउन, सभी की सभी मार्केट्स डाउन है। तो माय पोजीशंस विल बी ऑन टू द बेयरिश साइड। और अगर हम सुपर सेटअप्स की तरफ ध्यान दें तो पहला स्टॉक है M&M फाइनेंस, बहुत ही क्रूशियल जोन में बैठा है ये देखिए, इसी जोन से ये उठ के, ये देखिए इसी जोन से ये उठ के पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ब्रेकआउट हुआ, बहुत ही अच्छा मूव हुआ, बट देन अब ये फिर से उसी रेंज की तरफ आ चुका है। तो अगर ये 157 को अगर किसी भी 15 मिनट के कैंडल पे ब्रेक करता है तो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा 1520 और सेकंड टारगेट रहेगा 145। इतना लंबा टारगेट तो नहीं मिल सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 7% तो कोई भी स्टॉक नहीं गिर सकता, बट हाँ फॉर फ्यूचर अगर यही सेंटिमेंट्स रहे तो बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स, तो अगर टाटा मोटर्स देखेंगे तो ये देखिए बहुत ही अच्छे लेवल पे है, गैप अप को ओपनिंग यहीं से ऊपर गया, स्टार्ट हॉल्टिंग एंड हॉल्टिंग एंड नाउ लुक एट इट, ये जोन के बिल्कुल ही करीब है। अगर ये कल 458 का लेवल तोड़ता है अवर फर्स्ट टारगेट विल बी 435 फॉर श्योर, क्योंकि ये गैप फिल करेगा ही करेगा। अगर अगला स्टॉक्स देखें हम, अगला स्टॉक से भारती एयरटेल, आई एम वेरी इंटरेस्टिंग इट भारती एयरटेल के लिए जोन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। अगर ये कल 730 को कहीं 5 मिनट के कैंडल अच्छे लेवल से इनगल्फिंग कैंडल से ब्रेक करता है अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा 17719 और उसके बाद अगला टारगेट रहेगा 695। इतना बड़ा टारगेट तो नहीं मिलेगा बट अगर मार्केट लास्ट टाइम की तरह ड्रेस्टिकली फॉल हुई तो फॉर श्योर हमें ये मार्केट में मिल जाएगा देखने। और अगर मंडे को मार्केट बुलिश हुई तो हो सकता है कि ये क्या करें, ये यहाँ से 12 बजे के पहले अगर ये होल्ड करता है इसी जोन में और एक अच्छी इनगल्फिंग कैंडल बना के ब्रेक करता है तो दिस विल बी अवर फर्स्ट टारगेट 770 एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 780। बहुत ही अच्छा लेवल है टाटा मोटर्स एंड भारती एयरटेल, डू वॉच इट आउट, बहुत ही अच्छे लेवल्स पे दिख रहे हैं। अगला स्टॉक अगर हम देखें इंडिगो, एविएशन के लिए कोविड टाइम बहुत ही ज़्यादा खराब था और अब फिर से बिकॉज ऑफ ग्लोबल सेंटिमेंट्स सेम लेवल, ये देखिए 31 अगस्त ब्रेक किया था, इट टुक अ सपोर्ट फ्रॉम हियर, देन अगेन ऑन 30 अक्टूबर इट अगेन टिक सपोर्ट, 13 सितंबर इट अगेन टुक अ सपोर्ट एंड देन नवंबर में भी इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, अब ये फिर से उसी टाइम पे है। ये इस जोन को 4 बार टेस्ट कर चुका है और अगर कोई स्टॉक इसको 4 बार टेस्ट कर चुका है अभी अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हमारा पहला टारगेट रहेगा 1760 एंड सेकंड टारगेट विल बी 1615। इतना बड़ा टारगेट तो नहीं मिलेगा या 12% बट यू कैन टेक इट एज अ स्विंग ट्रेड ऑल्सो, विल बी वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट स्टॉक है टीसीएस, टीसीएस
एक ना कंप्लीटली असेंडिंग ट्रायंगल टाइप ऑफ बना रहा था। ये इस ट्रेंड लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा था, और अगर ये 12 बजे तक इसी ट्रेंड लाइन में रहता है और 12 बजे के बाद ऊपर या नीचे किसी भी जोन में एक इनगल्फिंग कैंडल के साथ ब्रेकआउट करता है, तो देखते हैं पहले ऊपर की तरफ हमारा क्या टारगेट रहेगा। ऊपर की तरफ बहुत अच्छा टारगेट है, फर्स्ट टारगेट विल बी 3520 और 3515, और अपना सेकंड टारगेट रहेगा 3577। बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और अगर मैं नीचे की तरफ देखूं तो कम्प्लीटली बहुत ही लंबा जोन है। तो नीचे की तरफ अगर देखें तो फर्स्ट टारगेट हमारा डेफिनेटली ये रहेगा, ये बहुत ही क्रूशियल जोन है 3292, एंड सेकंड टारगेट TCS है तो इट्स माइट बी पॉसिबल 3129। एक ही दिन में तो नहीं मिल पाएगा मेरे हिसाब से, बट शायद पॉसिबिलिटी है। एक दिन में तो नहीं मिल पाएगा शायद, क्योंकि ये 2% गिर सकता है, बट 7% तो नहीं गिरेगा। बट हाँ, डेफिनेटली स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकती है। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा सेशन। तो बाय बाय गाइस।